कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ राजनीति शास्त्र का। कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का 21 सितंबर को होने वाला रियल पेपर। ये आपका 80 अंकों का रहेगा समय, इसमें रहेगा आपका 3 घंटे का। कुल प्रश्न रहेंगे इसके 23, 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य, 1 से 5 तक आपके 1 अंक रहे मिलेंगे। कुछ इस प्रकार का आपका पेपर है, तो चलते हैं सीधा पेपर की तरफ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, इसका भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था, और ये विकल्प मैं आपको बता दूं, एक एक नंबर के ये आपके विकल्प हैं। 21 सितंबर को 100% रियल पेपर है राजनीति शास्त्र का, कक्षा 11वीं का, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो जल्दी जल्दी रट लें। पहला, इसका भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था, तो आ बा सा दा, तो जो भी इनमें से राइट आंसर है उसको अपन को लिखते जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आ। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो है भारत का। नेक्स्ट है, इसका स्वतंत्रता काल का कौन सा दर्शन है, पारिवारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। राइट आंसर इसका राजनीतिक। अब चलते हैं नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किस सदन के लिए उत्तरदायी होता है, या राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर न्यायपालिका, तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, 1952। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1952 का। अब चलते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको 6 खाली स्थान दिए गए हैं, प्रत्येक पर एक एक अंक आवंटित है। पहला, इसका भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय खाली स्थान में है, तो जो भारत में चुनाव का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष संशोधन में हुआ, तो इसका जो आयु संशोधन 21 से 18 में हुआ तो वो है 58। इसको आप कर लीजिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का संविधान खाली स्थान देश से लिया गया है, तो जो भारत का संविधान है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स की रचयिता खालिस्तान है अरस्तु। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 12। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का कहा गया, भारत संविधान में राज्यों को कहा गया खालिस्तान कहा गया, तो इसका राइट आंसर है संघ। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ, सत्तासत। इसमें आपको 6 दिए गए हैं, प्रत्येक पर एक एक अंक आपको मिलेगा। तो इसका पहला जो है वो हो जाएगा आपका, पाली मार्क्स एक राजनीतिक विचारक था, ये आपका सत्य है। आग सान सू की श्रीलंका की है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जस्टिस शब्द लेटिन भाषा का है, ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य। और अब चलते हैं चौथे की तरफ, तो चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं पाँचवें की तरफ, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है छठवां, सुकरात राजनीतिक थे, ये असत्य हो जाएगा आपका, दार्शनिक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, ये आपकी 7 सही जोड़ी मिलानी है, प्रत्येक पर आपको एक एक अंक मिलेगा। तो जो सूची आ और सूची बा से अपन को मिलान कर लेना है, पहले का है एफ और दूसरे का है जी, तीसरे का है इसका संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम, चौथे का इसका नियम और कानून न्याय का सिद्धांत, पांचवा है इसका धारा जम्मू एंड कश्मीर, छठवां है इसका स्वराज का अर्थ स्वशासन स्व का शासन, सातवां है इसका राष्ट्रपिता। तो ये थे दोस्तों आपकी सही जोड़ी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है, प्रत्येक पर एक एक अंक आवंटित है। इसका पहला है, अज्ञानता का आवरण यह कथन किसका है, यह कथन है प्रो राल्स का। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं, ये आपका दूसरा है 565 रियासतें थीं स्वतंत्रता के पहले भारत में। नेक्स्ट, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है, जो निर्वाचन घोषणा पत्र वो जारी करता है चुनाव आयोग, तो इसको भी देख लें। नेक्स्ट है इसका, भारतीय संविधान में किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उद्देशिका में। नेक्स्ट, संस्कृत अधिकार हमें
किससे प्राप्त होते हैं, सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं, समाज से। नेक्स्ट, न्याय क्या है, छठ माह इसका न्याय क्या है, तो जो न्याय है उसका हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है मूल अधिकार। तो ये थी आपके एक शब्द एक वाक्य के आंसर एक एक नंबर के। नेक्स्ट, संविधान सभा के कोई दो सदस्यों के नाम लिखिए, ये आपका दो नंबर का है। अथवा किप्स मिशन कब भारत आया था, ये भी आपका दो नंबर का है। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार क्या है, अथवा चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी आपका दो नंबर का है। कार्यपालिका किसे कहते हैं, अथवा लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये भी आपका आठवां है, तो इसको भी आप कर लीजिए, ये भी आपके दो दो नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक नौ, नौकरशाही क्या है, अथवा संसद के दो कार्य लिखिए, ये भी आपका दो नंबर का है। दसवां है, संसद में शून्यकाल क्या होता है, अथवा साधारण विधेयक क्या होता है। ग्यारहवां, फ्रांस की क्रांति। बारहवां, समानता के तीन आयाम कौन कौन से हैं। तेरहवां, आर्थिक न्याय। चौदहवां, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, अथवा राजनीति अधिकार क्या है, समझाइए। पंद्रहवां, प्रतिबंध क्या है, लिखिए। उदारवाद क्या है, लिखिए। सोलहवां, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, तीन उदाहरण देकर लिखिए। सत्रहवां, न्यायालय पुनावलोकन क्या है। अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां। तो ये था दोस्तों आपका कक्षा ग्यारहवीं का राजनीति शास्त्र का पेपर, जो कि आपका 21 सितंबर को होना है दोस्तों। 100% रियल पेपर है और इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।